हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। डे 31 आज हम करने वाले हैं लेग बाइसेप एंड कोर। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है। स्टार्ट हम करेंगे लेग प्रेस से। सबसे पहले हमको वार्म अप करना है, जो मैंने आपको बताया था, एडिशनल जो वार्म अप बताया था वो भी करना है। उसी के बाद हमको लेग स्टार्ट करना है। तो आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमें, हम बिगिनर हैं। अब अभी अभी जिम स्टार्ट करा, हमको एक महीना ही हुआ है वर्कआउट करते करते। वहाँ पे बहुत सारे जने ऐसे होंगे जो लेग करते टाइम अच्छा खासा वेट उठा रहे होंगे, स्क्वाट्स करने में 100 केजी या लेग प्रेस में 200-250 केजी कर रहे होंगे। लेकिन हमें हमारे अकॉर्डिंग, हमारे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें वेट लेना है। अभी जैसे हमको लेग प्रेस करना है, 5 सेट करना है, 12-15 रेपिटेशन। तो हमें ऐसा वेट लेना है जो हमारे से आसानी से हो सके और उस पर हम आराम से रेपिटेशन कर सकें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट ले लिया और हम इंजरी होने लग जाए, क्योंकि अधिकतर बिगिनर्स में प्रॉब्लम होती है। कोई किसी को हम देख लेते हैं 200-250 किलो वो लगा रहा है, तो हम भी उस वेट पे लगा लेंगे, पूरा जोश होता है हमें, और उस केस में हमें नी पे प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बैक में प्रॉब्लम हो जाती है या मसल बहुत ज़्यादा सोर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना है। हमारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हमें वर्कआउट करना है। जैसे अभी मैं 100 केजी, एक महीने बाद में 100 केजी पे आ गया हूँ, तो 100 केजी पे 12-15 रेपिटेशन लगाऊंगा और 5 सेट लगाऊंगा। अगर आपसे 20-20 केजी या 40 केजी या 50 केजी या 60 केजी, जिस पे भी आप वेट पे आपका रेपिटेशन 12-15 आ रहे हैं, तो आप उसको ही वेट को आइडियल रखें और उसको आगे तक लेके चलें। और लगता है तो आप 5-5 केजी इंक्रीज करें, फिर आप 12-15 रेपिटेशन करें। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 60 केजी लगाया 100 केजी पे चले गए। ऐसा किसी को देख के ईगो लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि लेग हमारा मेन पार्ट है, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है और लोअर बैक का भी ध्यान रखना है। तो आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं लेग प्रेस से। 5 सेट करेंगे, 12-15 रेपिटेशन। तो गाइस, लेग प्रेस मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने 100 केजी स्टार्ट करा था और लास्ट में मैंने 120 पे कंप्लीट करा और 12-12 रेपिटेशन मेरे सब पे आ गए। नेक्स्ट हम करने वाले सुपर स्क्वाट्स एमर मशीन। इसके अंदर हम बैक फेसिंग रखेंगे। पहले जो हमने करा था फ्रंट फेसिंग रखा था, अब हम बैक फेसिंग रखने वाले हैं। तो देखते हैं ये कैसे करना है। आपकी जो पैर की डिस्टेंस रहेगी वो शोल्डर की विड्थ से थोड़ा सा बाहर रहेगी, और स्क्वाट की जो मैंने हमेशा आपको पोजिशन बताई, थोड़ा सा एंगल बाहर की तरफ रहेगा। आपको इसको अनलॉक करना है एंड जितना नीचे जा सकते हैं डीप स्क्वाट करने की कोशिश करें। सुपर स्क्वाट हमारा 4 सेट हो गया, जिसमें मैंने स्टार्ट करा 10-10 केजी, 20 केजी से स्टार्ट करा और लास्ट मैंने 30 केजी पे ख़त्म करा, जिसमें मैंने सब में 12-12 रेपिटेशन लगाए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं बाइसेप पे आ गए। बाइसेप में हम करने वाले हैं पिचर कर्ल। इसके हम 4 सेट करेंगे 12 रेपिटेशन या 15 रेपिटेशन तक। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम थोड़ा क्लोज ग्रिप पकड़ेंगे और फिर परफॉर्म करेंगे। सो गाइस, हमारे लास्ट एक्सरसाइज जो लेग की बची थी वो हम करने वाले हैं। डम्बल्स पे सुमो स्क्वाट्स करेंगे। देखिए ये कैसे करना है। सुमो वाली पोजीशन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपके लेग थोड़े से वाइड खुलेंगे और टोस की जो पोजीशन रहेगी वो ज़्यादा वाइडर रहेगी, थोड़ा एंगल बाहर की तरफ खुला रहेगा। डम्बल्स आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। बैक आर्च करके ही नीचे से लिफ्ट करना है और थोड़ा सा
पास में ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो गाइस आज का वर्कआउट एंड करने वाले हम, लास्ट जो करने वाले हैं हम बाइसेप के साथ में, हम एक और सुपर सेट लेंगे, सुपर सेट में हम कोर करेंगे। तो बाइसेप में हम करने वाले हैं केबल रॉप हैमर, और इसी के साथ सुपर सेट में करेंगे वी होल्ड जो हमारे कोर के लिए रहेगा। और लास्ट तक वीडियो देखें ना, उसमें आपको मैं स्ट्रेचिंग भी बताने वाला हूँ, थोड़ा सा और स्ट्रेचिंग ऐड कर रहे हैं हम लेग के लिए। तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो ताकि आपको स्ट्रेचिंग भी सेल्फ करने का आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सेल्फ करना है। तो ये देखते हैं कैसे करना है। एक स्टेपल ले लिया मैंने ताकि मेरी थोड़ी सी और हाइट केबल से ऊपर हो जाए, ताकि हमारा जो केबल का लोड होगा वो और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करके देखते हैं। वेट आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए, 3 सेट करने हैं 12-12 रेपिटेशन के। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रिप आपको ऐसे पकड़नी है एंड शोल्डर पीछे, नी सॉफ्ट, चेस्ट उठा हुआ और ऊपर की तरफ लाना है, नीचे स्लो लेके जाना है। 1 सुपर सेट में हमें वी होल्ड करना है। तो वी होल्ड कैसे करना है, आप कोई सी बेंच ले लीजिए, फ्लोर पे कर लीजिए, कहीं पे भी आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको फ्लैट सरफेस मिले। तो इसके अंदर आपको आपके लेग दोनों लिफ्ट रखने हैं, आपकी अपर बॉडी भी लिफ्ट करना है और ऐसे वी शेप बनना चाहिए और आगे की तरफ हाफ रख दीजिए ताकि आपका बैलेंस अच्छा बना रहे। देखिए यहाँ से हमने लेग को लिफ्ट कर लिया और हाथ सीधे रख दिया। अब यहाँ पे आपको होल्ड करना है 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, जितना आप रख सकते हैं। तो गाइस आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ हमारा, अब स्ट्रेचिंग कर लेते हैं हम। सबसे पहले आपको फॉरवर्ड बैंड करना है, तो पैर पूरा हाथ पीछे तक लेके जाना है जितना आप ले जा सकते हैं। फॉरवर्ड बैंड करना है स्लोली, बैक आर्च रखते हुए, बैक राउंड रखते हुए नहीं, बैक आर्च रखते हुए फॉरवर्ड बैंड पूरा लोड आन दीजिए हैमस्ट्रिंग पे, ठीक है। इसके बाद पैर खोलना है आपको, बैक आर्च करके नीचे की तरफ जाना है हैमस्ट्रिंग के लिए, पूरा हैमस्ट्रिंग पे लोड आएगा इसका भी, लोअर बैक पे भी आएगा। यहाँ से हमें लंजेस करना है, यहाँ पे हाथ रख के नीचे की तरफ प्रेस करिए, लेग चेंज करना है, यहाँ पे भी प्रेस करिए, ठीक है। अब आपको स्क्वाट पोजीशन लेनी है, हाथ अंदर की तरफ, दोनों तरफ की तरफ से प्रेशर डालना है। फिर आप क्या करिए, बटरफ्लाई कर सकते हैं, शूज़ उतार दीजिए ताकि थोड़ा सा और अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो पाए। बटरफ्लाई करना है 10 रिपीटेशन, 1, 2। अब आपको क्या करना है, ये आपके पैर नीचे टच नहीं हो पा रहे, नी टच नहीं हो पा रही, तो आप यहाँ से हल्का सा प्रेस करिए, ठीक है। पूरा इनर थाई पे सब जगह लोड आएगा आपको। प्रेस करने के बाद आप अपने टो को पकड़िए, टोस को, और आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करिए, ठीक है। एक पैर बाहर खोलना है, बॉडी स्ट्रेट रखनी है और साइड में जाना है, ठीक है। ऐसा ही दूसरी साइड भी सेम करना है, स्ट्रेट रखना है, ऐसे जाना है, ठीक है। अब आपको दोनों पैरों के बीच में फोल्ड करके बैठ जाना है। अब मैं पैरों के ऊपर नहीं बैठा हूँ, अंदर फ्लोर पे ही बैठा हुआ हूँ, ठीक है। पूरा आपके क्वाड्स पे स्ट्रेच आएगा, इससे आपके एंकल में थोड़ा सा लोड आ सकता है, लेकिन कोशिश करिए करने का, ठीक है। एक पैर आप स्ट्रेट कर लीजिए, एक फोल्ड रखिए और फॉरवर्ड बैंड, ठीक है। लेग चेंज करिए, इसको फोल्ड कर दीजिए, इसके ऊपर स्ट्रेच दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों पैर सीधे रखे हुए, एक बार इधर की तरफ ट्विस्ट करना है और एक बार राइट साइड करना है, एक बार वापस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड,
ऐसे भी आपको स्ट्रेच करना है, फिर आप चाइल्ड पोज करिए, एक्सटेंशन, फ्रॉग स्ट्रेच, स्क्वाट लेते हुए पीछे की तरफ से पैर पकड़ के, तो ये स्ट्रेच आप लेग डे के दिन ऐड कर सकते हैं लास्ट में, इससे आपकी थोड़ा लेग पेन कम होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।